दो दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन सोमवार को सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। जिसके संबंध में बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर से विजयी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये प्रतिभागी जनपद स्तर पर विजयी हो जाएंगे तो उनको मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराया जाएगा। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए तथा खेल कूद के माध्यम से मानसिक विकास हो, जो खेल के माध्यम से नैतिकता अनुशासन का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 21 ब्लॉक से अलग अलग स्कूलों की टीमें आई हैं, जिसमें 800 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह प्रतियोगिता दो दिवसीय है तथा विजयी प्रतिभागियों को मंगलवार को पुरस्कृत किया जाएगा। विजयी छात्र आगे मंडल स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह व महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सिर्फ चंद मिनट होगा। मौन से सब कह रहे हैं, सम्मानित माननीय मंत्री और जिले के मंत्री बड़े भाई श्री धर्मिष्ठ जी, बड़े भाई हरिंद्र राय जी, कोषाध्यक्ष सुधांशु मोहन सिंह जी भी, व्यायाम से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथियों, जैसे बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2021-22 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कैप पहनाते हुए स्मृति चिन्ह यंग वस्त्र हमें और अर्थों को अलंकृत करना, हमें आशा से परिपूर्ण करना, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना है। धन्यवाद सर, बहुत सुजन कर रही है। अभी किस दिन पहले कबड्डी राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी का आयोजन यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर हरियाणा के टीम जो प्रथम स्थान पाई उसको 2,00,000 रुपए से सम्मानित किया था। गोरखपुर की टीम उप विजेता बनी थी, बहुत कम अंतर से उप विजेता बनी थी हरियाणा की टीम, उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस तरह देश के अंदर विभिन्न खेलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार चाहती है कि बच्चों का नैतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो। खेल भारतीय संस्कृति का एक अंग रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए
सरकार पूरी तरह से तत्पर है। कुछ दिन पहले खेलों को विपक्ष की सरकार थी कोई तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन आज सरकार ने खेल के महत्व को समझा है और खेलों का बढ़ावा दे रही है। बोनस मत लेने देना, बोनस नहीं है। गिरो 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 इधर, गिरो गिरो इधर, ये प्रत्येक वर्ष की रात जनपद स्तर पे हम लोग बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, क्योंकि कोरोना काल था उस दौरान नहीं हो पाया था, तो इस बार जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो ब्लॉक स्तर से हमारे विजयी बच्चे हैं वो जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, और जब जो जनपद स्तर पर विजयी हो जाएंगे इनको हम लोग मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराएंगे। तो इस प्रकार जो एक शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए मानसिक के साथ शारीरिक, तो इसके माध्यम से खेल के माध्यम से हम लोगों में नैतिकता, अनुशासन, जिम्मेदारी और शारीरिक विकास के प्रयास करते हैं। सर कितनी टीमें आई और कहाँ कहाँ से? इसमें लगभग हमारी 21 ब्लॉक की टीमें आई हैं, विभिन्न स्कूलों से आई हुई हैं 21 ब्लॉक से, और लगभग 700-800 बच्चे आए हुए हैं, और ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, आज चलेगी और कल चलेगी, और जो भी इसमें विजयी होगा हम लोग उसको मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराएंगे। ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, और मैंने देखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग अपने बच्चों को इस तरह के खेल की ट्रेनिंग दिया है, उच्च कोटि का किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, अब शिक्षकों का और बच्चों का दायित्व तो बनता है कि उसका पूरा पूरा लाभ उठावें। आज जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है देखकर ऐसा लगता है कि शिक्षक और बच्चों ने और विशेषकर खेल टीचर जो हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत और परिश्रम किया है। मैं आज के दिन इस खेल से जुड़े सभी शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, अपने सभी शिक्षक बंधुओं को, बच्चों को और पत्रकार बंधुओं को जो इसका कवरेज करने के लिए आए हैं गोरखपुर की जनता की तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। बाकी और जो खिलाड़ी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खिलाड़ियों को संदेश देना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, खेल से अनुशासन, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक विकास और कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न होती है। जो शिक्षक आपको ट्रेनिंग देते हैं उसको 100% अपने में उतारिए और इसका लाभ अपने जीवन में उठाइए। मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा।